बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड के दुमका से आई खबर से, जहां पर 14 साल की नाबालिग लड़की की लाश पेड़ पर लटकी मिली। आरोप यह है कि मुस्लिम युवक ने पहले उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, कितनी आदिवासी युवतियां ऐसे दरिंदों का शिकार होंगी झारखंड में, ये गंभीर सवाल पूछा गया है। तो पेड़ पर लटकी लाश मिली है, मुस्लिम लड़के पर रेप और हत्या के आरोप जो लगे हैं, और इसके बाद बाबूलाल मरांडी की तरफ से ये बड़ा सवाल पूछा गया। तस्वीर हम ब्लर्ड कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दुमका से ये खबर है और पेड़ पर लटकी मिली है 14 साल की लड़की की लाश। आरोपी युवक गिरफ्तार हो चुका है, रेप और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो झारखंड के दुमका से ये दूसरी दिल दहला देने वाली खबर है, क्योंकि इससे पहले भी ये खबर आई थी जहां पर अंकिता नाम की लड़की को शाहरुख नाम के लड़के ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अब पेड़ से लटकी मिली है 14 साल की लड़की की लाश और मुस्लिम लड़के पर रेप और हत्या के गंभीर आरोप लगे हुए हैं और पुलिस ने इस शख्स को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। स्पष्ट रूप से बोलते हैं, प्रशासन अपने जो जांच का दायरा है अपने से जहां तक होता है वहां से वहां तक करे, नहीं तो ये जांच ऊपर तक जाए, चाहे वो सीबीआई का जांच हो, एनआईए का जांच हो, किसी का भी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच निश्चित रूप से होना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यजीत जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, दुमका से ये दूसरी ऐसी घटना है जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली है, कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। 14 साल की नाबालिग लड़की की लाश मिलना, रेप का आरोप लगना, जरा बताइए ये पूरा विवाद क्या है, इसकी जड़ से क्या निकल कर आया है, क्योंकि खबर यही है कि मुस्लिम लड़के ने पहले रेप किया और उसके बाद हत्या करके पेड़ पर टांग दिया। देखिए बिल्कुल ये घटना जो है बिल्कुल दिल दहलाने वाली है और बैक टू बैक ये दूसरी घटना है दुमका से जो आ रही है। और दुखद बात यह है कि ऐसा लगता है कि कानून का इकबाल है ही नहीं, नो सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहा जाता है वही है। और आप सबसे बड़ी उसमें बात यह भी है कि वो इलाका जो है वो बैस्टन है, फोर्ट है सोरेन फैमिली का, वहां से 8 बार शिबू सोरेन रिप्रेजेंट कर चुके हैं, हेमंत सोरेन वहीं से 2009 में चुनकर आए थे तो 13 में मुख्यमंत्री बने थे वो। इसके अलावा अभी भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बसंत सोरेन के द्वारा। तो वो पूरा इलाका जो है अगर मुख्यमंत्री के परिवार का है तो वहां कानून व्यवस्था और जो है इतना खौफ होना चाहिए कानून का कि कोई भी किसी तरह का अपराध करने से पहले 2 बार सोचे। लेकिन एक बार फिर इस तरह की घटना घटी है, इसके पहले भी घटनाएं दुमका में होते रही है रेप और हत्या की जो है ट्राइबल लड़कियों के साथ, इसके पहले भी हुई है 2000 अगर हम पीछे थोड़ा ले जाए 2020 में हुआ है ऐसा जो है लगातार इस तरह से घटना सामने आते रही नहीं, है। तो जो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देखिए आदिवासियों की सरकार बनी थी, मुखिया वहां से है, उसके बाद भी आदिवासी महिलाएं इस तरह से रेप हो रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, तो मामला गंभीर हो जाता है। बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है। और बार बार सुरेन सरकार जो है वो घिरते जा रही है, ये बड़ी बात है, सुरेन सरकार लगातार घिरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।